आपने अक्सर स्वयं और दूसरों को भी कहते हुए सुना होगा कि योगा मेरे लिए नहीं है, मैं अपने पैरों की उंगलियों को भी नहीं छू पाता हूँ। तो फिर यही योग अभ्यास शुरू करने की मुख्य वजह है, क्योंकि पैरों की उंगलियों को छूना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नियमित योग अभ्यास से यह मुमकिन है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शुरुआती दौर में फॉरवर्ड फोल्ड आगे झुकने के अभ्यास से शुरू करना सबसे उचित तरीका है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की ही दिशा में जाने से यह अन्य आसनों जैसे कि बैक बेंड, पीछे झुकना या इन्वर्जन योगा विपरीत करनी की तुलना में अधिक सरल और आरामदायक है। आज हम कुछ खड़े होकर और बैठकर करने वाले फॉरवर्ड फोल्ड सीखेंगे। चलिए हम पार्श्वोत्तानासन से शुरू करते हैं। तीव्र पार्श्व खिंचाव। समस्थिति में खड़े रहकर अपने दाहिने पैर को 2 फुट पीछे ले जाएं। दोनों घुटनों को सीधा रखें। आप अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उन्हें अपनी पीठ के पीछे एक साथ रखें, या यदि आप कर सकें तो पश्चिम नमस्कार करें। अपने सीने को ऊपर उठाते हुए सांस लें और अपने सिर को आगे वाले पैर की ओर झुकाते हुए सांस छोड़ें। पैर की ओर झुकते वक्त अपने कोर को संलग्न करें और थोड़ी को पिंडली की ओर ले जाएं। 6 से 8 सांसों के बाद सांस लें और सीने को वापस ऊपर तटस्थ स्थिति में ले आएं। सांस छोड़ें और कुछ देर आराम करें। अपने पैर की उंगलियों को घुमाएं और शरीर को बाएं पैर की ओर मोड़ें और आसन को दोहराएं। अगला है पश्चिमोत्तानासन या फॉरवर्ड फोल्ड। दंडासन से शुरू करें। पैर आगे फैलाकर फर्श पर बैठिए। पैर एक साथ हों, घुटने सीधे हों और पीठ सीधी हो। सांस लेते हुए हाथों को सीधे ऊपर उठाएं और श्रोणि पेल्विक को थोड़ा ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ें। श्रोणि को आगे की ओर झुकते हुए नितंब और पीठ के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकें। 2 उंगलियों और अंगूठों से पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें, अन्यथा एड़ी, टखने या पिंडली को पकड़ें। ध्यान रहे कि घुटने आपस में जुड़े हुए हों और पीठ को जितना संभव हो सके उतनी सीधी रखें। सांस लें, आगे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे से सीने को यथासंभव नीचे ले आए। पिंडली को ललाट से छूने की कोशिश करें। 6 से 8 सांसों तक इस स्थिति में बने रहें। सांस लें, भुजाओं को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर ऊपर देखें। सांस छोड़ें, भुजाओं को नीचे ले आएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। आज का अंतिम आसन है अर्ध हनुमानासन या हाफ स्प्लिट। घुटने को नीचे की ओर टिकाते हुए अपने दाहिने पैर को आगे लाएं। सांस लें, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर लंबा तानकर सीने को सामने के पैर पर झुकाते हुए सांस छोड़ें। अपनी हथेलियों को फर्श पर रखें। 6 से 8 सांसों तक इस स्थिति में रहें। सांस लें और सीने को वापस ऊपर उठाएं। सांस छोड़ें और आराम करें। इसी तरह दूसरी तरफ दोहराएं। हमें याद रखना चाहिए कि योग केवल पैरों की उंगलियों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, हम इस प्रक्रिया के दौरान क्या सीखते हैं उसके बारे में है। 1 पूर्ण आसन से पहले 1000 प्रयास भी लग सकते हैं, लेकिन लाभ सभी प्रयासों में है। तो एक गहरी सांस लें, आनंद में रहें और प्रत्येक क्षण का आनंद लें। नमस्ते।